नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का अस्ट्रो तक चैनल में। और आज मैं बात करूंगी दरिद्रता को दूर करने के लिए अन्नपूर्णा प्रयोग, और अन्नपूर्णा साधना भी कहा जा सकता है। ये एक दिन का साधना है, इससे जो है आपके घर में दरिद्रता, दुख, दरिद्रता सब कुछ नाश करती हैं। जैसे कि मैं कोई भी करवा चौथ हो या गोवर्धन पूजा हो या छठ पूजा हो या फिर कोई भी व्रत उपवास की या त्यौहार की पूजा आप लोगों को बताती हूँ, वो बहुत आसान होता है, उसके मंत्रों भी बहुत आसान होता है और उससे जो है किसी का कोई हानि नहीं पहुँचते हैं। आज ये अन्नपूर्णा प्रयोग में भी, अन्नपूर्णा साधना का भी मैं जो मंत्रों मैं कहूँगी और उपाय किस तरह से पूजा करना है वो भी बहुत सरल होगा और आसान होगा, जो मंत्र होगा वो भी बहुत आसान है। तो अन्नपूर्णा प्रयोग के विधि जो है वो अच्छे से सुन लीजिए। प्रयोग किसी भी शुक्रवार के रात्रि 10 बजे के बाद करें अथवा ब्रह्म मुहूर्त में करें ये पूजन। आपके पास जो भी आसन वस्त्र हो उसको बिल्कुल धुला हुआ होना चाहिए, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। प्रयोग किसी भी दिन शुक्रवार की दिन रात्रि 10 बजे के बाद कर सकते हैं अथवा ब्रह्म मुहूर्त में भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास जो भी आसन हो वो शुद्ध आसन, साफ आसन आसन होना चाहिए। अगर वो पीला आसन हो तो बहुत उत्तम बात है। उत्तर की ओर मुंह करके आपको बैठना चाहिए। सामने भूमि पर जो एक कपड़ा, सामने साफ सुथरा करके जो है भूमि पर एक लाल कपड़ा बिछा देना चाहिए। उस पर एक मिट्टी का मटकी आपको रखना चाहिए। मटकी पर कुमकुम से आपको कुमकुम और घी, सिंदूर और घी से भी आप जो है टीका लगा सकती है। घी के साथ कुमकुम मिला के या फिर सिंदूर को मिला के 7 बिंदी उस मटकी, मिट्टी का जो मटकी आपने रखा आसन के ऊपर, उसके ऊपर 7 बिंदी आप लगाएं और मटकी का सामान्य पूजन करें। जैसे धूप दीप दिया से जैसे पूजन करते हैं भगवान का, इस तरह से मटकी का भी पूजन आपको करना चाहिए। घी का दीपक जरूर जलाएं। कोई मीठा चीज़ भोग में अर्पण करें, कोई भी मीठा, आपकी बर्फी रख सकते हैं, मीठा कुछ भी आप रख सकते हैं प्रसाद के रूप में। माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में अन्न धन आदि के भंडार भरे रहे, साथ ही जो है आपको गृहस्थों को पूर्ण सुख प्रदान करें। और अब जो निम्न आप अभी आपको एक मंत्र बताने जाऊंगी, उस मंत्रों का भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए इस पूजन के दौरान। तो इस मंत्रों में, उस मंत्र जब आप मटकी में थोड़ा थोड़ा चावल डालेंगे, वही मंत्र बोलकर, ज़्यादा चावल मुट्ठी भर भर कर ना डालना, क्योंकि मटकी जब तक ना भरे आपको उस मंत्रों को बार बार बोलना है। और बार बार जैसे कि हम हवन में हम आहुति देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आहुति देता है, इस तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चावल अक्षत मतलब मटकी के अंदर, मंत्रों के साथ साथ मटकी के अंदर डालें। जल्दी जल्दी समाप्त करने की कोशिश ना करें। तो जब तक ये क्रिया पूर्ण ना हो जाए तब तक जो है पूर्ण रूप से प्रार्थना माँ अन्नपूर्णा से करें और दंड व्रत प्रणाम करें पूजा होने के बाद। यदि क्रिया रात्रि में करें तो अगले दिन जो है प्रातःकाल आपको किसी, ये जो मटकी जो चावल से भर जाए, ये मटकी आपको किसी मंदिर में जाके रख देना चाहिए। साथ में लाल कपड़े भी रख देना चाहिए और साथ ही जो है दक्षिणा भी आपको रख देना चाहिए। और प्रसाद जो है घर में सारे सदस्य, जितना भी आपके घर के मेंबर्स है, सारे मेंबर्स में बांट देना चाहिए जो आपने भोग लगाया। तो लाल वस्त्र भी मंदिर में आपको दान करना चाहिए। मटकी में जो जितना भी आपने चावल रखा वो भी दान करना चाहिए। अब मंत्रों आपको कह देती हूँ। मंत्रो ये है, ओम ह्रीं अन्नपूर्णेश्वरी ह्रीं नमः। इस मंत्रों को आपको बोलना है, ओम ह्रीं अन्नपूर्णेश्वरी ह्रीं नमः। इस मंत्र को आपको बोलते जाना है और मटका के अंदर ऐसे चावल, थोड़ा थोड़ा चावल आपको रखना है जब तक मटका पूरी तरह चावल से ना भरे। ये एक दिवसीय प्रयोग आपके जीवन में कई संकट जो है वो दूर कर देगा। घर से रोग दरिद्रता वो भी दूर कर देगा। धन आदि में आपको वृद्धि कराएगा। साथ ही जो है आपके घर में रात दिन होने वाली कलह को, लड़ाई झगड़ों को शांत करता है इस उपाय से।
माँ अन्नपूर्णा की कृपा से साधक की गृहस्थी में पुनः सुख जो है वो लौट आते हैं। और ये जिस तरह से मैंने प्रयोग बोला आपको, उसी तरह घी के दीपक जला के, लाल कपड़े बिछा के, उसके ऊपर मिट्टी का मटका रख के, ये मंत्र है ओम ग्रीं अन्नपूर्णेश्वरी ह्रीं नमः। इस मंत्रों का आपको जप करना चाहिए, साथ ही साथ मटके के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा आपको अक्षत चावल डालना है, जब तक चावल मटके में पूरा ना भरे। तो याद रखिएगा, इस तरह से एक दिवसीय जो है साधना आप समाप्त करें और अन्नपूर्णा को नमस्कार करें और अगले दिन सुबह जाके मंदिर में दे आए, प्रसाद अपने घर में सारे मेंबर्स बांट के खा ले। और ऐसे ही आप लोगों के सामने कुछ पूजा पाठ और उपाय और साधना लेके हाजिर हो जाऊंगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो तक चैनल को। नमस्कार।